अभी अभी हॉस्पिटल से आई नीरज चोपड़ा की तबीयत को लेकर बड़ी खबर। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि आज नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद पहली बार अपने गांव खंडरा पहुंचे। पानीपत में उनका जोर शोर से स्वागत भी किया गया। मंच पर नीरज चोपड़ा को पगड़ी भी पहनाई गई। कुछ देर बाद अचानक नीरज चोपड़ा की तबीयत बिगड़ने लग गई और सहज महसूस होने पर उन्होंने परिजनों को अवगत भी कराया और नीरज चोपड़ा को मंच से नीचे भी उतारा गया और घर ले जाया गया। नीरज चोपड़ा के परिजनों ने बताया कि आराम करने के बाद नीरज सीधे चंडीगढ़ रवाना हो गए। दरअसल उन्हें वहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिलना है। नीरज चोपड़ा को मंच के पीछे से ले जाया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा की तबीयत खराब होने पर परिवार वाले काफी चिंतित भी हो गए। तभी डीसी सुशील सारवान ने चिकित्सक से बात कराई। इसके बाद दिल्ली में भी चिकित्सकों से भी बातचीत की गई। डीसी सुशील सारवान ने बताया कि नीरज चोपड़ा की तबीयत फिलहाल ठीक है, चिकित्सकों से बातचीत हुई है, उन्हें फिलहाल आराम करने की जरूरत है। आपको बता दें, चिकित्सकों ने नीरज चोपड़ा से बात करने के बाद कहा, सुबह से लगातार यात्रा करने और लगातार भीड़ में होने की वजह से ये समस्या हुई है। कुछ देर आराम करने के बाद नीरज चोपड़ा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, जिसके बाद नीरज चोपड़ा से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले भी नीरज चोपड़ा की तबीयत खराब हुई थी, उन्हें काफी बुखार भी आया था। हालांकि उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, बुखार की वजह से हरियाणा सरकार के सम्मान समारोह में भी शामिल नहीं हो पाए थे। सम्मान समारोह में नीरज चोपड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। बता दें कि नीरज चोपड़ा सुबह 8 बजे सामानला पहुंच गए थे। इसके बाद करीब 1 बजे अपने गांव खंडरा पहुंचे। लगातार यात्रा करने और भीड़ में रहने की वजह नीरज चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वही दिल्ली के चिकित्सकों से भी फोन पर बातचीत की गई, उन्होंने भी नीरज चोपड़ा को आराम करने की सलाह दी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।